उसको पता बता दिया बड़े भाई कि बाबा के दरबार में हर भक्त की सुनी जाती है। आज वो प्रेमियों के कहने पर, श्याम प्रेमियों के कहने पर बाबा के दरबार जिस वक्त चला जाता है, और जिस वक्त चला गया लौट करके आया तो भक्तों ने पूछा भैया कैसा है वहां का नजारा, जरा बताओ। तो वो क्या बता रहा है अरुण भाई साहब, सुनो सुनो सुनो। और बेटा है बाबा आंखों में समंदर लिए हुए, ये दिल दिल दीदार का मंदिर लिए हुए, बेटा है आंखों में समंदर लिए हुए। अगर दीदार ना हुआ तो दीवाने तेरे फोड़ लेंगे अपना सर बाबा, क्योंकि तेरे दीवाने बैठे सुनिए वो बाबा का प्रेम बता रहा है, क्या बता रहा है कि सोना बरस रहा है, सोना बरस रहा है वो खाटू की हरी गली, बाबा का ही जलवा है, बाबा का ही जलवा है खाटू की हर गली में, बाबा का ही जलवा है खाटू की हर गली में, सोना बरस रहा है खाटू की हर गली में। Oh,
एक एक शब्द सुने। है बादशाह का भी सरताज मुरली वाला, है बादशाह का भी सरताज मुरली वाला, जी भर के धन काला अंदाज है निराला, जी भर के धन काला अंदाज है निराला। है बादशाह का भी सरताज मुरली वाला, जी भर के धन लटाता अंदाज है निराला। मांगने के लिए सिर्फ सलीका चाहिए, सिर्फ तरीका चाहिए, क्योंकि बाबा मेरा श्याम उसे दिखाई नहीं देता जो पेट के गंदे होते। मेरा बाबा कितना भी मानो रोज पूजा करा सुबह शाम, कुछ नहीं होने वाला कि मेरा बाबा उसे दिखाई नहीं देता जो पेट के गंदे होते हैं, मेरा श्याम उसे दर्शन देता है जो आंख के अंधे होते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेद भी कह रहे हैं, साक्षात वेद बता रहे हैं हमारे। क्योंकि सूरदास जी कैसे थे, कैसे कैसे सूरदास जी, लेकिन भाव था उनके अंदर। जिस भावना में भावना, वो भावना बेकार है। अगर भावना में थोड़ा सा भी भाव है तो भविष्य बेड़ा है। बादशाह का भी सरताज मुरली वाला, हो जी भर के धन काला अंदाज है निराला। अरे मेला लगा हुआ है आतू की हरियाली, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया, जिन पर कोई समस्या है, कोई परेशानी जिसके, क्योंकि जब आप दबा खाते हैं ना तो धीमे धीमे असर करती है। और बाबा के दरबार में जाने के बाद ऐसी बात नहीं कि वो काम नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो काम होगा, हर समस्या का हल होगा। आज नहीं तो एक बार फिर उससे आप क्या सुनिए, बाबा के दरबार में धक्केता है क्या, और प्रेमी की हर बना को, प्रेमी की हर बना को चुटकी में दूर करता, प्रेमी की हर बना को चुटकी में हर करता, प्रेमी की हर बना को चुटकी में दूर करता। हो सरल भाव जिसके पहले उसी से मिलता, ये बाबरा सुना खाटू की हर गली, एक कहानी सुना रहा हूँ सोनू भैया, थोड़ा ये कहीं कर दो। हेलो हेलो, यहाँ बैठना सामने। अब कैसा है बाबा सुनो, सभी सुनने जरा गौर से। ओहो छुपा, बिल्कुल
दो भाई थे, एक का नाम था राम एक का था श्याम, और दोनों का दस्तूर था कि जब तक आपकी तरह ही थे वो, जब तक बाबा के दर्शन नहीं कर लेंगे, मंदिर था उनके घर से थोड़ी दूर, और उनका रोज का दस्तूर था कि जब तक बाबा के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक अन्य भी ग्रहण नहीं करेंगे। सुनिए दो भाइयों की कहानी सुना रहा हूं, एक का नाम था राम एक का था श्याम। ओ एक नगर में रहने वाले खोलना भाई थे दो राम श्याम, करते थे बाबा की पूजा, लेते थे बाबा का नाम। उनका काम था कि बाबा की पूजा करना और बाबा का नाम लेना। एक दिन दोनों जा रहे थे, दोनों भाइयों ने प्लान बनाया एक दिन के चलो बाबा के दर्शन करने के लिए चल रहे। एक दिन दोनों जा रहे थे वो बाबा के दर्शन के लिए, श्याम बाबा के दोनों दर्शन करने के लिए और दर्शन करने के लिए जब जाने लगे, अनुज भैया गौर से सुनना, कि रह गया कुछ दूर मंदिर, तभी आ गया तूफान है, रह गया कुछ दूर मंदिर तभी आ गया तूफान है, भागने दोनों लगे अपनी बचा कर जान है, अपनी बचा कर जान है, अपनी बचा कर। जब दोनों भैया बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो तूफान आ गया। अभी जी क्या हो गया, रह गया कुछ दूर मंदिर तभी आ गया तूफान है, और भागने दोनों लगे अपनी बचा कर जान है। अब राम कहां छुपा तूफान से बचने के लिए, और श्याम कहां घुसा तूफान से बचने के लिए, ये सुनिए। कि देवी माँ के बाबा श्याम के मंदिर में तो राम भीतर घुस गया, सामने वेश्या का घर था, श्याम भीतर घुस गया, श्याम भीतर घुस गया, श्याम भीतर घुस गया। श्याम कहां गया, वेश्या के घर था। उसने सोचा ये दरवाजा खुला हुआ है, जान बचाने के लिए इसी में घुस जाओ। कि बाबा श्याम के मंदिर में तो राम भीतर घुस गया, सामने दरवाजा खुला देखा श्याम ने, तो जान बचाने के लिए वेश्या के घर में श्याम भीतर घुस गया। अब दोनों चले गए, सेफ हो गए अपनी जगह पर, लेकिन एक की नेगेटिव सोच है, एक पॉजिटिव सोच है। क्या सोच रहे हैं, कि खाटू बाबा के मंदिर में तो राम होता है दुखी। अरे यार कहां पड़ा हूं मैं बाबा के मंदिर में, इससे बढ़िया तो मेरा भैया श्याम है जो कि वेश्या के घर में चला गया, ऐस कर रहा हो, आनंद कर रहा हो, उसकी ये सोच है। इधर वेश्या के घर में श्याम का सोचता है, वेश्या के घर में रहकर भी वो श्याम होता है दुखी, हे बाबा तूने राम को दर्शन देके कर दिया सुखी, मैं अभागा पापी तेरे दर्शन भी ना कर सका, और तेरी चौखट पर दयालु अपना सर में धर सका। जो वेश्या के घर में है वो सोच रहा है, बाबा तूने मुझे कहां पर बुला लिया, इससे बढ़िया तो मेरा छोटा भाई राम अच्छा है जो कि तेरे चरणों में तो चला गया। लेकिन उसे क्या पता था कि राम की नेगेटिव सोच है, राम मंदिर में बैठ करके सोच रहा है कि कहां पर पड़ा हुआ मंदिर में, इससे बढ़िया तो मेरा भाई श्याम था जो कि वेश्या के घर में चला गया, आनंद कर रहा होगा। इसी तरह से सोच कर दोनों भाइयों की गुजरी रात है, एक संग बाहर वो निकले हम गई बरसात है, हम गई बरसात है, हम गई बरसात है। एक बाबा के मंदिर से निकला एक वेश्या के घर से, एक कहां से निकला, बाबा के मंदिर से चुका हुआ था, एक वेश्या के घर से। अब एक दूजे से मिले भैया, एक दूजे से मिले बड़े प्रेम और विश्वास से, एक दूजे से मिले, जे एक दूजे से मिले,
बड़े प्रेम और विश्वास से, तभी यकायक देख लो बिजली गिरी आकाश से। दोनों भैया मर गए। क्या हो गया? जब एक वेश्या के घर से निकला, एक बाबा के भवन से निकला, एक दूजे से मिले बड़े प्रेम और विश्वास से, तभी यकायक देख लो बिजली गिरी आकाश से कि दोनों भैया मर गए। जब जीव यमपुर को चला तो धर्मराज ने दोनों का किया कुछ इस तरह से फैसला। धर्मराज के सामने खड़े हुए अब दोनों भैया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो धर्मराज ने क्या कहा कि मंदिर वाले राम को तो नरक भिजवाया जाए और जो वेश्या के घर में शाम था उसको स्वर्ग पहुंचाया जाए। हाथ जोड़कर राम बोला क्या अजब ये फेर है और मेरे संग क्यों धर्मराज तुम कर रहे अंधेर है। रात भर मंदिर में रहा, जय श्री श्याम करता रहा। धर्मराज बोले मूरख तूने बाबा के दरबार में बैठ करके क्या किया, तेरे भाई ने वेश्या के घर में रह करके क्या किया। यस 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 कि तेरे भाई ने वेश्या के घर में रहकर किया बाबा का गुणगान है और तूने बाबा के दरबार में रहकर किया सुंदरी का ध्यान है, इसलिए सुन तू नरक में जाए तेरा भाई स्वर्ग में जाएगा और भावना के बल बावला कर अमत पर पाएगा। एक बार हाथ उठाइए, बात अच्छी लगी तो ताली बजाओ कि मेरे सर पे सही भक्त कहेंगे और मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रखे। ओम श्री श्याम मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। दोनों हाथ उठाए जो बाबा के दरबार में आए हैं भाव से भक्ति से और यही कहे तू वाले तू हमेशा तेरे साथ ही रहे, प्रकाश दोनों साथ रहे। ओ खाटू वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे। आइए भजन शैलगा तो बार जोरदार ताली। देखिए और भी ऐसी बहुत सुंदर भजन सुनाऊंगा, बाबा की एकादशी का भी भजन सुनाऊंगा।